डिस्क्लेमर, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस्लामिक कल्ट ने अपने आप में इतना कॉन्ट्रडिक्शन बना रखा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। इस्लाम को गढ़ने वालों ने हर उस सोच को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने की भरपूर कोशिश की जिसमें लालच या डर था, और ये दोनों चीज़ें अरब जैसे देश में लाजमी थीं क्योंकि वहाँ जीवन जीने के लिए हर पल मौत का सामना करना पड़ता था। और आज भी कुछ ऐसे ही हालात हैं क्योंकि अरब में 50% जगह आज भी अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं करती है। जो लोग अमीर हैं वो काफिरों की बदौलत ही हैं। सर, हम तो रैफल साहब बात करते हैं ना। वो भी बोल रहे ना सर, फिर नहीं, वो सिर्फ आपको एक एग्जांपल देते हैं, कहां बोला, उसके बाद आपको अपंग कर देते हैं। नहीं, रोज बोलते हैं ना साहब, मतलब अल्लाह के ताला के बारे में जब बताते हैं हदीसों से, कुरान से, रैफल साहब बताते हैं ना वो लोग हर दिन। यार देखे ना, अब ये बात हुई ना, अब गेम तो खराब हो गई ना यहाँ पे। अब आपने जो कहा ताकि वही बात वहीं पर करूंगा तो वो लोग कुछ बोलेंगे तो लगता है हाँ ये सही है, फिर आपके पास आऊंगा वही बोलूंगा, फिर आप कुछ बोलेंगे फिर आप लगता है आप सही है। नहीं नहीं, आप यार टाइम साहब, अभी आपको जो समझाया गया है इसमें कोई भी डाउट है आपको? गुमराह करने वाला टॉपिक मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? गुमराह करने जो टॉपिक एग्जांपल देना हाँ जी, वो गुमराह के एग्जाम्पल जरा सेट नहीं बैठ रहा ना भैया आपका है? अभी तक सेट नहीं बैठ रहा यार, इतना अच्छे से तो मैंने समझाया, एडम साहब ने समझाया, और क्या चाहिए। अच्छा, आपको अभी सेट बिठा देते हैं, क्या अल्लाह की गुमराही कभी भी आपको जन्नत में लेके जा सकती है, ये बता दें? नहीं, बस फिर बात खत्म होगी ना, यही तो मैं बता रहा था। अगर अल्लाह की गुमराही इंसान के लिए अच्छी नहीं जा सकती तो इसका मतलब है अल्लाह की गुमराही कभी उस बंदे को कत्ल करने से नहीं रोक सकती, खत्म हो गई। ठीक है, और ये वाला एक बता दे मुझे और एक। अच्छा, ये मोहम्मद साहब, हम आप ठीक बोले। नहीं नहीं, आप पूछो, आप नेक्स्ट सवाल पूछो। मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह आलमीन का क्या पूछ रहे हो? हाँ, आपने जो कहा था ना, आदम साहब ने कहा था कि वो रहमतुल्लिल मुसलमीन थे, तो जब मोहम्मद साहब आए थे वो टाइम पे बहुत सारे काफिर थे, मुसलमान बहुत मतलब थे ही नहीं, समझो तो कम नहीं। अब क्या मतलब, एक्चुअली मोहम्मद खुद मुसलमान नहीं था। कुरान कहता है कि तू गुमराह था, हमने तुझे हदायत दी, जालन फहदाया, तू गुमराह था हमने तुझे हदायत दी, तो मोहम्मद खुद उस वक्त काफिर था जब मोहम्मद आया। जी मतलब मुसलमान थे ही नहीं तब तक जब मोहम्मद साहब नहीं आया। यार कैसे यार, खतीजा काफिर, मोहम्मद काफिर, मोहम्मद की माँ काफिर, मोहम्मद का बाप काफिर, मोहम्मद का दादा काफिर, एक सेकंड भाई, मोहम्मद का दादा काफिर, वो मोहम्मद के बाप को अपने बुत हुबाल के सामने सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। मोहम्मद का दादा काफिर, बुतों की पूजा करता था, हुबाल उसका मेन बुत था। जब मोहम्मद के दादे के ऊपर अटैक हुआ हाथियों से, तो मोहम्मद के दादे ने क्या कहा था, काबे का रब खुद बचाएगा, काबे में इस वक्त 307 बुत, 360 बुत, और सबसे बड़ा बुत हुबाल, जिसके सामने उसने अपने बेटे अब्दुल्ला यानी के मोहम्मद के बाप को कुर्बान करने की कोशिश की। बुतों ने काबा बचा लिया, बुतों ने काबा बचा लिया, अल्लाह ने कौन सा बचाया, अल्लाह था ही नहीं वहां पे, 360 बुत थे, 360 बुत। बुत लड़ने के थे क्या भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ, बुतों ने परिंदे भेजे अपने, अबाबीले भेजी अल्लाह ने अपने नाम पे डाल ली। मैं बताता हूँ आपको इसकी पूरी हकीकत बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नाम पे डाल ली, अल्लाह ने कहा हमने भेजी, मगर अल्लाह तो था ही नहीं उसमें, उसमें तो था 307 बुत, 360 बुत। फिर उसके बाद मोहम्मद का बाप वो बुतों की पूजा करता था क्योंकि वो भी उसी काबे की कुंजी रखता था, मोहम्मद की माँ बुतों की पूजा करती थी, मोहम्मद का दादे ने मोहम्मद को बुत हुबाल के सामने उसके चरण स्पर्श कराए, मोहम्मद की बाँ ने अपने बुत समद के सामने उसकी चरण स्पर्श कराए। ये मैंने अपनी स्ट्रीम में दिखाया हुआ, सारा बताया हुआ, सारे रेफरेंसेस दिए मैं। उसके बाद मोहम्मद बड़ा हो रहा है, खाना काबा की जब दोबारा तमीर कराई उसने, तो बड़े बड़े पत्थरों को अपने कंधे पे रख के जा रहा है, उस वक्त 14 साल का था वो। खाना काबा जिसमें 360 बुत हैं, उनमें से 307 बुत निकाल के उन बुतों को दोबारा खाना काबा के अंदर रख रहा है वो। इवन काले पत्थर को भी उसने रखवाया, जो सही मुस्लिम की हदीस है कि मोहम्मद अलफ नंगा होके पत्थरों वाले बुत उठा उठा के अंदर रख रहे। मोहम्मद खुद बुत पुरुष था।
طبقات ابن سعد کہتا ہے کہ محمد کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے, فرشتہ جبرائیل نہیں آیا محمد کے پاس. جب محمد گھر سے باہر نکلا تو جبرائیل نے کہا بھائی اپنے گھروں میں جو بت ہیں ان کے سر قلم کر دو, بتوں کے سر قلم کر دو, توڑ دو اور کتے کو گھر سے نکال لو. محمد اتنا بڑا پنگ تھا, اس کے پاس کتا بھی تھا اور اس کے پاس بت بھی تھے, اور بتوں کے سر قلم کروائے فرشتے نے آ کے. چیپٹر نمبر 74 کے اندر واقعہ آتا ہے, مدثر سورہ مدثر کے اندر کہتا ہے او محمد اٹھ کھڑا ہو, اپنے کپڑے جھاڑ اور اپنے گھر سے بتوں کو نکال دے. تو بھائی محمد بت پرست تھا, بت اس کے گھر میں تھے, بتوں کی پرستش کرتا تھا, خانہ کعبہ میں بت لگاتا تھا, ماں اس کی بت پرست تھی, باپ اس کا بت پرست تھا, دادا اس کا بت پرست تھا. ان کے نبی سے پہلے قرآن آئی تھی یا بعد میں آئی؟ قرآن نے ہی اسلام کو پیدا کیا یا اسلام نے قرآن کو پیدا کیا؟ سوال ایسے ہیں کہ کوئی بھی اسلامک اسکالر جواب نہیں دے پاتا ہے. 40 سال کی عمر تک اللہ قرآن میں کہتا ہے فواجتا کا جال انفاد آیا. سر قرآن میں یہ تو لکھا ہے نا آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ بھی مسلمان ہی تھے نا, ایسا بتایا گیا. وہ ہوں گے, محمد نہیں تھا, محمد کے ماں باپ نہیں تھے, محمد کی فیملی نہیں تھی, باقی سارے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ محمد سے پہلے کوئی تھا نہیں مسلمان. اوکے چلو اب یہ بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ بات سمجھ لگ گئی کہ ایٹ لیسٹ اب دوسرے ٹاپک بھی چلے جاتے ہیں. ہاں بھاپو محمد صاحب نہیں تھے, مانتا ہوں مانتا ہوں, یہ سمجھ لگ گئی. اوکے پرفیکٹ, اگر موسیٰ مسلمان تھا تو موسیٰ کی قوم کو یہودی کیوں کہا گیا؟ اگر عیسیٰ مسلمان تھا تو عیسیٰ کی قوم کو عیسائی کیوں کہا گیا؟ نصارہ کیوں کہا گیا؟ نصارہ یہود و نصارہ, یہود و نصارہ ایکسپلیسیٹلی کیوں کہا گیا اگر سارے مسلمان تھے؟ وہ گروپ کے مطلب گروپ کو ڈینوٹ کرنے کے لیے نہیں ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ والسابعین سب جنتی ہیں. سورہ بقرہ میں شروع شروع میں جب محمد نے ہجرت کی تھی, اس کو سارے لوگ چاہیے تھے اپنے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, اس نے سب کو جنت کی بشارت دے دی. ناؤ اگر موسیٰ عیسیٰ یہ سب مسلمان تھے تو مجھے بتائیں کہ اللہ نے موسیٰ کے فالوورز کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے یہودی لفظ کیوں یوز کیا جو کہ بیسک لفظ ہے؟ اور اگر عیسیٰ جو تھا, اگر عیسیٰ جو تھا وہ مسلمان تھا تو مسلم کیوں نہیں کہا گیا اس کو؟ اور مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ہی چاہیے, محمد رسول اللہ چاہیے. اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ تو کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ کہاں لکھا قرآن کے اندر, کیا کہاں لکھا قرآن کے اندر کہ موسیٰ کی قوم کے لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ؟ قرآن چار جگہ پہ کہتا ہے محمد از دا فرسٹ مسلم, کیوں کہتا ہے؟ اگر اگر آدم, اگر آدم جو ہے, اسی کو سمجھ نہیں کیا, کوشش کریں. ابھی میں نے آپ کو بیس دیا, اب میں آپ کو دوسری بیس دیتا ہوں. اگر آدم مسلمان تھا, ابراہیم مسلمان تھا, موسیٰ مسلمان تھا, عیسیٰ مسلمان تھا, تو محمد پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا نا. اوکے آخری پیغمبر ہے نا. پھر یہاں تو قرآن غلط ہے, آپ غلط ہو. لا شریک لہ وبذالک انا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں. سو آئی ہیو بین کمانڈیڈ, سو آئی ایم دا فرسٹ آف دا. اب مسلم کا مطلب انہوں نے سبمٹ لکھ دیا, stupid idiotic translation. Let's see if another translation. He has no یہ آپ کے لوگ deceptive translation کرتے ہیں. اگر مسلم ان کا مطلب, مسلم کا مطلب مسلم نہیں رکھنا تو پھر موسیٰ کو بھی سبمیٹر لکھو نا. دیکھو صحیح انٹرنیشنل مسلم, I am the first of the Muslims, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہاں بھی فرما بردار لکھ دیا. اگر محمد کا اللہ نے یہ بتایا موسیٰ عیسیٰ سب مسلمان تھے تو محمد پہلا مسلمان کیسا ہو گیا؟ یہ لیں ایک اور آیت لیں, چیپٹر نمبر 39. پھر وہی بونگی آ گئی, اس کو بھی دوبارہ سے کرنا پڑے گا. یہ مجھے جو ہے نا کوئی نئی ویب سائٹ ڈھونڈنی پڑے گی, یہ سلیکشن کو یاد. ذاکر نائک تو یہ بولتا ہے کہ ذاکر نائک کو گولی مارو. Indeed I have been commanded to worship Allah since in him his religion. ٹھیک ہے, اس کے ریلیجن میں میں پہلا بندہ ہوں جس نے اللہ کی ورشپ کی ہے. سے یا محمد, انڈیڈ آئی ہیو بین کمانڈڈ ٹو ورشپ اللہ سنسیئر ٹو ہم ان ریلیجن, اینڈ آئی ہیو بین کمانڈڈ ٹو بی دا فرسٹ آف دا مسلمز, اول المسلمین. اول کا مطلب سب سے بیسٹ, ایسا ہوتا کیا؟ اول کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ, پہلا. ہیلو اول, اول دوئم سوئم, الف بے پہ اگر آپ کو آتی ہو تو اول دوئم سوئم, ایک دو تین, اول المسلمین. سر آپ یہاں پر
रैंक की बात हो रही क्या, नहीं तो नंबर की बात हो रही? चलो जी, रैंक की बात हो रही है। मोहम्मद पहला मुसलमान था रैंक में, तो मोहम्मद सबसे पहले आया कि सबसे बाद में आया रैंक में? हाँ नहीं नहीं मतलब जो... हाँ, नहीं, नहीं। यार क्या बच्चे वाली बातें करते हो यार। अब मैं मतलब जलेबी अच्छी बनाओ ना यार, इतनी घटिया जलेबी तो ना बनाओ यार। ठीक है भाई, ये तो समझ में ना। ठीक है, समझ गया ये बात। तो लास्ट एक पॉइंट बता के जा रहा हूँ भाई, मैं अब छोड़ दो इस्लाम को यार, तुम्हारी हर हुज्जत तोड़ी है, अब इस्लाम से बाहर निकलो, क्या स्टुपिडिटी है यार। ठीक है, एक एक एक, एक लास्ट पॉइंट एक बता रहा हूँ, अगर अगर ये भी गलत है तो ठीक है, देखते हैं, देखेंगे देखेंगे। तुम फिर जाओगे अपने मुसल्टे मौलवी के पास जाके, फिर उसे जलेबी लेके आ जाओगे? कितनी बात तो करूंगा ना सर, फिर देखूंगा ना अपने क्या कहा है, कैसा ही कहा है, गलत कहा है। सुनाओ सुनाओ। आपने जो पॉइंट कहा था ना, मोहम्मद साहब रहमतुल्लिल मुसलमीन थे। हां जी, आलमीन इसलिए है क्योंकि जब मोहम्मद साहब आए थे पूरी दुनिया काफिर थी, और काफिर जहन्नुम जाते हैं, सही है? अब ये बंदा एडम की ही बात को दोहरा रहा है, मोहम्मद के आने से पहले इस्लाम की नजर में सब काफिर थे। एडम भाई अब इससे खेलेंगे। पूरी दुनिया काफिर थी तो काफिर ही थी ना, कोई मुसलमान तो काफिर ही था ना। कुरान क्यों कहता है कि ईसा के फॉलोअर्स हमेशा अपर मोस्ट रहेंगे? ठीक है, मैक्सिमम दुनिया काफिर थी ना यार। देखे नहीं, नहीं मैक्सिमम दुनिया काफिर की बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार। अगर ये देखो, कुरान क्या कहता है कि फॉलोअर्स ऑफ ईसा जो हैं, जीसस सन ऑफ मेरी डिसाइपल हु विल स्टैंड अप विद मी फॉर अल्लाह, द डिसाइपल सेड वी विल स्टैंड फॉर अल्लाह, देन अ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन ऑफ इजराइल बिलीव्ड व्हाइल द अदर डिसबिलीव्ड, वी सपोर्टेड देम एंड दे रेनवी एंड दे प्रिवेल्ड देम, स्टूपिड इडियटिक ट्रांसलेशन, दे विल रिमेन द अपर मोस्ट फॉर द एंटायर टाइम। कभी भी मुसलमान ईसा के फॉलोअर से ऊपर नहीं आ सकते, अल्लाह ने कह दिया है। ये लो, एंड दे बिकेम डोमिनेंट। ईसा के फॉलोअर तो हमेशा, अभी आपने कहा मुसलमान नहीं है, अभी अल्लाह कह रहा है कि वो फॉलोअर हमेशा अपर मोस्ट रहेंगे, कंट्राडिक्शन। मोहम्मद जिस वक्त उसे जिस ग्रुप की जरूरत पड़ती थी उस ग्रुप की जो मर्जी गेम अपने साथ डाल देता था। अभी तक तो मुसलमान बन गए लोग, मुसलमान देखो अल्लाह ही कर रहा है ना, मैं क्या, मैं तो नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहा है। यही तो दो नंबर ही है कुरान के अंदर, कंट्राडिक्शन। ठीक है, मेरी बात पूरी बात तो सुन लो। अच्छा, तो मैक्सिमम लोग जो दुनिया पे थे वो जहन्नुमी थे, ये बात सही है क्या? क्यों जहन्नुमी थे? अल्लाह ने कह दिया इस वजह से? हाँ ओके, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। ओके, तो जहन्नुमी थे। जब मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने सबको मुसलमान बनाना शुरू किया था, मतलब जितनी भी दुनिया के लोग थी, पब्लिक थी, उनको मतलब लाइट के जो विजडम की तरफ लेके जा रहे थे, सही है? तो मुसलमान बना रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट मुसलमान बना रहे थे, और जहन्नुम से दूर लेके जा रहे थे, जन्नत के पास लेके जा रहे थे। तो इस तरह से जो उनकी बात पहले दावा देते थे ना भाई, जाके पहले तलवार नहीं निकालते थे, पहले दावा देते थे मान गए तो सही है, नहीं तो तब जिहाद तलवार निकालते थे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।